नहीं तो मैं, आप सुनिए, अब आप आ गए हैं तो एमसीडी पे थोड़ा माहौल तो बता दीजिए। केजरीवाल को आना चाहिए हा? मेरे हिसाब से, बाकी क्या आता है राम जाने। केजरीवाल को आना क्यों चाहिए, क्या किया है क्या नहीं किया आप बताओ, क्या नहीं किया? मैं तो एक चीज जानता हूँ, 8 साल हो गए, 1% भी किसी चीज पे उसने बढ़ाया? यार ये तुम टीवी में दिखाओगे घर वाले मारेंगे। घर वाले, पार्टी वाले नहीं ना? मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। लेकिन एक चीज, किसी चीज के ऊपर उसने कोई पैसा नहीं बढ़ाया, बताओ आप 8 साल के अंदर किसी चीज के। पहले हर तीसरे साल वो RTI वो बैठती थी बिजली की DERC की मीटिंग, और 10% बढ़ गए, 5% बढ़ गए, कोई बढ़ रहे हैं? अगर 200 यूनिट दे रहा है मेरे जैसे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में ज़्यादा, दिल्ली में भी ज़्यादा ज़्यादा वो हैं जो 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं। मेरे यहाँ जो काम करने आती है वोड़ी खुशा की बावजूद 10-10 रुपये जो बस के लगते थे वो बच गए, बिजली नहीं देनी पड़ती, पानी नहीं देना पड़ता, इससे ज़्यादा तो क्या चीज़। आपके आने से पहले जो दंपत्ति से मैं बात कर रहा था, मैं जाते हुए देख रहा था, तो मैंने कहा लौटते मैं दिख गया तो बात कर लूँगा, एक मिनट को बाबू ऐसे ही चलते बात करता रहता हूँ ना। हाँ, तो वो कह ये रहे थे कि दिल्ली के स्कूल और अस्पताल का जो अच्छा करने का वायदा केजरीवाल और दावा है, करते हैं, वो कह रहे थे खाली बिल्डिंग बनी है, पढ़ाई तो होने रही, खाली रंग रोगन। अभी पिछले 15 दिन पहले रिपोर्ट आई थी कोई कि दिल्ली, हिंदुस्तान के टॉप 10 स्कूल में दिल्ली के 5 थे। हिंदुस्तान में जो टॉप 10 गवर्नमेंट स्कूल आए हैं उसमें दिल्ली के 5 आए हैं, तो और क्या चाहिए आपको? ये रिपोर्ट की बहुत बाजी करी है आप, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है सर। 40 साल से दिल्ली रहते हैं ना? मैं पैदा ही हुआ, 70 साल की उम्र है। तो इस 70 साल में सबसे अच्छी सरकार कौन थी दिल्ली की? शुरू से मैं रहा जी BJP का, लेकिन अब BJP वाले मतलब सिर्फ नोट कमाने वाले रह गए। मेरा तो अपने इलाके से देखता हूँ, मेरा अपने से पर्सनल है, मेरे को आपसे मतलब नहीं कि आपको क्या फायदा हो रहा है। और MCD वालों ने कैसा काम किया? सिर्फ पैसे का काम। क्या कराना है आपने बोलो, लाल किला आपके नाम करवा दूं रजिस्ट्री, आप बोलो। तो दिल्ली सरकार के कार्यालयों में भी तो कहते हैं दलाली बहुत चली। देखो जी, ऐसा है कि रिश्वत अगर आप सोचो कि खत्म हो जाएगी हिंदुस्तान से, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फैसिलिटी है। मैं अभी मकान बनाता हूँ, सब कुछ छोड़ो, मैं अभी एक बोरी सीमेंट और 50 ईंट मार लेता हूँ, हो जाएगा इंस्पेक्टर।